प्रदेश की 905 स्कूलों में लगे हुए 1810 व्यावसायिक शिक्षक पाँच सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 6 महीने से आंदोलन की राह पर हैं। करीब 2 साल से लंबित वेतन भुगतान की मांग, स्कूल में फिर से नियोजित करने के साथ ही टेंडर फर्म को बदलने की मांग को लेकर आज सुबह से ही प्रदेश भर से 31 व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा संकुल में धरना पर बैठे थे। दोपहर करीब 3:30 बजे इनमें से 7 व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा संकुल स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। 3 शिक्षिका और 4 शिक्षक पानी की टंकी पर चढ़े। इस दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासन सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी की टंकी से नीचे जाली लगाई और करीब 2 घंटे तक चले ड्रामे के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में सभी समस्याओं का समाधान के लिए 10 दिनों का आश्वासन दिया गया है।